सुप्रभात मित्रों, मैं इंजीनियर सक्षम गुरुकुल ई स्कूल पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अब बिना केंद्र की सहमति के कोई राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकेगा। अब पूरे देश में स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मनोरंजन पार्क व उड़ानों को छोड़कर सभी सेवाएं आदि चालू हो जाएंगी। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक समारोह पर लगी रोक हटाकर मुहर्रम पर ताजिया निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अगली खबर, कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें एक सैनिक कर्मी प्रशांत शर्मा भी शहीद हो गए हैं। वे यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। 2 दिन में कुल 8 आतंकी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए हैं। भारत व रूस के बीच होने वाले साझा सैन्य अभ्यास में भारत शामिल नहीं होगा। यह फैसला इस अभ्यास में चीन व पाकिस्तान के भी शामिल होने के कारण लिया गया है। यह अभ्यास 15 से 26 सितंबर तक रूस में होना है। स्वीडन के मालमो शहर में कथित तौर पर एक धार्मिक पुस्तक जलाए जाने के बाद भयंकर हिंसा व आगजनी हुई है, जिसमें जगह जगह आगजनी व मुस्लिम समुदाय द्वारा पुलिस कर्मियों व बचाव दल पर पत्थर व सामान फेंका गया। मशहूर हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन का शनिवार को 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कोलोन कैंसर से पीड़ित थे। रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप की अधिकांश हिस्सेदारी खरीद ली है। इसे कल अंतिम रूप दिया गया। इसके लिए फ्यूचर ग्रुप को 24,713 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा व रिलायंस को इस ग्रुप के 1700 स्टोर मिल जाएंगे। कल खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा ऑनलाइन खेल पुरस्कार दिए। इस बार 74 लोग को यह पुरस्कार मिला, जिसमें 5 खेल रत्न व 27 अर्जुन पुरस्कार शामिल हैं। अगली खबर खेल जगत से संबंधित है। मशहूर क्रिकेटर खिलाड़ी सुरेश रैना आईपीएल में अपने पारिवारिक निजी कारणों से नहीं खेलेंगे। वे कल यूएई से वापस भारत लौट आए हैं। कोरोना संकट से जूझ रही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए ये एक और बड़ा झटका है। देश में कल सर्वाधिक लगभग 79,000 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 644 व उत्तर प्रदेश में 5,684 नए मरीजों के साथ देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 35,39,000 के पार पहुंच गई है। कल के कुछ मुख्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।